हेलो फ्रेंड्स, आज हम आइसोमेट्रिक व्यू बनाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दिया है, उसी की सहायता से अब हम आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे। तो सबसे पहले आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए हमें थ्री एक्सिस चाहिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो सबसे पहले हम एक्सिस बनाने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इस तरह से बनाएंगे। अब आपको इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक पॉइंट लेना है और आपके प्रोटेक्टर को जो है इस तरह से रखना है और यहाँ से 30 डिग्री पे एक मार्क लगाना है, 90 डिग्री पे एक और फिर 30 डिग्री पे एक मार्क जो है आपको इस तरह से लगाना है। इस मार्क को लगाने के बाद आपको इन सभी पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। अब आपके तीन एक्सिस बन गए हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो फिर हमें यहाँ पर फ्रंट व्यू और लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिया है। तो फिर अब हम फ्रंट व्यू को देखते हैं। तो फ्रंट व्यू में हमें ये पोर्शन जो दिया है उसकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक 64 और यहाँ से यहाँ तक जो है वो 16 है। तो फिर फ्रंट व्यू की जो टोटल लेंथ है वो 64 प्लस 16 80 mm जो है यहाँ से आपको यहाँ पर प्लॉट करना है। तो जहाँ पर सभी एक्सिस मीट होती है वहाँ पर आपको ओरिजिन जो है इस तरह से मैं लिखता हूँ। तो हमें फ्रंट व्यू में भी ओरिजिन जो है वो फाइंड करना है। तो फ्रंट व्यू में ओरिजिन इस तरफ है तो ओ के राइट साइड पे जो है वो फ्रंट व्यू बना है। तो ओ की जो है हमारे राइट साइड को जो है हमें फ्रंट व्यू बनाना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपको फ्रंट व्यू बनाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इसका लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिया है, मतलब कि ऑब्जर्वर जब उस ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखेगा तो उसे दिखने वाला जो व्यू है वो ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। तो फिर अब हम इस फ्रंट व्यू की जो लेंथ है वो 80 mm है, उसकी हाइट जो है वो हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देखिए जो कि 100 mm है और उसकी जो विड्थ है मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम जो लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में इसकी विड्थ जो है वो 70 mm दिखती है। तो यहाँ पर ये जो हिडन लाइंस जो आपको दिख रही है तो ये फ्रंट व्यू से जो हिडन दिखेगा जो कि उसका जो होल है वो 45 mm उसका डायमीटर है। तो फिर वो होल जो है वो आपको हिडन दिखेगा फ्रंट व्यू से। उसके बाद आपको जो है अब फ्रंट व्यू बनाना हम शुरू करते हैं। तो फ्रंट व्यू को बनाने के लिए सबसे पहले हम ये पोर्शन जो है ये पोर्शन फ्रंट व्यू में बना लेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो मैक्सिमम लेंथ जो है वो 80 mm है। तो 80 mm ओ के राइट साइड को मतलब कि ओ के राइट साइड को इस तरह से आपको 80 mm इस तरफ जो है वो मार्क कर लेना है। 80 mm मार्क करने के बाद आपको यहाँ से लेके यहाँ तक 64 mm जो है वो लेंथ दी है। तो 64 mm पे भी हम इस तरह से एक मार्किंग बना लेते हैं। अब यह जो 64 mm और 16 mm मार्क किया है तो सबसे पहले हम ये जो है फ्रंट व्यू से आपको दिखेगा ये 30 mm की हाइट पर है, ये जो बना है ये 30 mm। 30 mm क्या करेंगे हम वाई एक्सिस पे इस तरह से 30 mm मार्क कर लेंगे। 30 mm वाई एक्सिस पे इस तरह से आपको मार्क लगाना है। अब ये इस तरफ जा रहा है मतलब कि एक्स एक्सिस को जो है ये पैरेलल लाइन है। तो ये लाइन कितनी पैरेलल है तो 14 mm तक जो है ये लाइन पैरेलल है, मतलब कि 14 mm जो है यहाँ से हमें एक्स एक्सिस को इस तरफ जाना है। तो 14 mm क्या करेंगे इस तरह से हम एक्स एक्सिस को जो है पैरेलल एक लाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको इस लाइन पे जो है 14 mm जो है वो मार्क लगा देना है। 14 mm जो है यहाँ पर आपको इस तरह से जो है मार्क लगाना है। अब 20 mm इस पॉइंट से नीचे आना है। तो यहाँ से 20 mm आपको नीचे की तरफ आना है। तो 20 mm ये हमने जहाँ पर 14 mm मार्क किया है वहाँ से 20 mm नीचे की तरफ आना है। तो इस तरह से मैं एक फेंट लाइन बना देता हूँ और वहाँ से 20 mm जो है वो आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना है। 20 mm क्या करता हूँ मैं इस तरह से एक लाइन बना लेता हूँ। उसके बाद हमने जहाँ पर 16 mm मार्क किया था, जहाँ पर हमने 16 mm मार्क किया था वहाँ से एक लाइन ऊपर की तरफ 20 mm जाएगी और यहाँ से 16 mm फिर यहाँ पर जाएगी, मतलब कि यहाँ पर जो है एक गैप जो है वो बना है। तो फिर सबसे पहले हम ये लेंथ जो है ये मतलब कि हमने यहाँ से नीचे की तरफ हम 20 mm आए, मैं आपको सिर्फ यहाँ से हमने 20 mm नीचे की तरफ आए और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 36 mm है। तो 36 mm एक्स एक्सिस को पैरेलल फिर से हमें जाना है। तो एक्स एक्सिस को पैरेलल जो है वो 36 mm की जो लाइन है आपको इस तरह से बनाने हैं। तो यहाँ पर आपको 36 mm इस तरह से मार्क लगा देना है। तो 36 mm पे हम इस तरह से एक मार्क जो है वो लगा देंगे। उसके बाद आपको ये जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन ये आपको 20 mm ऊपर की तरफ 64 mm से मार्क बनाना है। तो फिर यहाँ से 64 mm मतलब कि यहाँ से हमने जो 64 mm पे मार्क लिया था वहाँ से y एक्सिस को पैरेलल ऊपर की तरफ एक लाइन बनानी है। तो y एक्सिस को पैरेलल मतलब कि 90 डिग्री जो हमने लाइन बनाई है उससे पैरेलल इस तरह से ऊपर की तरफ एक लाइन जो है इस तरह से आपको बनानी है। उसके बाद
इसी लाइन को ऊपर की तरफ आपको बनाना है, जो कि हमने यहाँ से यहाँ तक 36 mm लिया था, उससे भी आपको इस तरह से ऊपर की तरफ एक लाइन जो है इस तरह से बनाना है। उसके बाद 20 mm से भी ऊपर एक लाइन जो है हमें इस तरह से बनाना है। तो 20 mm से भी ऊपर मैं क्या करता हूँ, एक लाइन जो है इस तरह से बना लेता हूँ। अब यह सभी लाइन्स बन जाने के बाद आपको जो है मैं डार्क बना के थोड़ा पोर्शन दिखाता हूँ, मतलब कि आपको ठीक से समझ में आए। तो डार्क बनाना है। अब यह पोर्शन डार्क बनाने के बाद आपको 64 mm जहां पर हमने मार्किंग ली थी वहां से 20 mm ऊपर, तो यहां पर 64 mm से 20 mm ऊपर की तरफ जो है आपको इस तरह से मार्क लगाना है। 20 mm ऊपर की तरफ मार्क लगाने के बाद यहां से एक्स एक्सिस को पैरेलल एक लाइन जाती है, मतलब कि इस पॉइंट से इस तरफ जो है एक्स एक्सिस को जो है वो पैरेलल एक लाइन आपको इस तरह से बनानी है। तो मैंने क्या कर लिया, यहां से एक्स एक्सिस को जो है यहां से पैरेलल जो है एक लाइन बना ली। अब इस पोर्शन को भी मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से इसे डार्क बना लेता हूँ। अब हमने जो है ये भी पोर्शन जो है ये डार्क बना लिया है। अब यह पोर्शन डार्क बन जाने के बाद इसकी जो ओवरऑल हाइट थी वो 100 mm थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसकी हाइट 100 mm है, मतलब कि हमने यहाँ से 20 mm की लेंथ जो है यहाँ से छोड़ी है। तो हमें ऊपर की तरफ जो है ये पोर्शन 80 mm पर ऊपर हमें इस तरह से मार्क लगाना है। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इस लाइन को जो है इस तरह से एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब 80 mm जो है इस लाइन पे इस तरह से मार्क लगा देता हूँ। 80 mm मार्क लगाने के बाद आपको यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस को जो है पैरेलल लाइन बनानी है, मतलब कि इस एक्स एक्सिस को जो है वो पैरेलल लाइन इस तरह से आपको बनानी है। तो फिर यहाँ से उस पॉइंट से जो है आपको एक पैरेलल लाइन बनानी है कुछ इस तरह से। अभी यह लाइन बन जाने के बाद आपका फ्रंट व्यू जो है वो अब कंप्लीट हो गया है। तो फ्रंट व्यू जो है इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। तो फिर फ्रंट व्यू कंप्लीट करने के बाद आपको जो है इसकी विड्थ, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसकी विड्थ है उसे हमें बनाना है। तो उसे बनाने के लिए इसकी विड्थ जो है वो 70 mm है, आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं इसकी विड्थ 70 mm है। तो 70 mm ओ के इस तरफ आपको बनाना है। तो ओ के इस तरफ जो है 70 mm जो है इस तरह से एक मार्क लगा लेता हूँ। 70 mm मार्क लगाने के बाद आपको इस पॉइंट से इस तरफ आप देख सकते हैं ये जो है ये जेड एक्सिस को पैरेलल लाइन से, तो मैं क्या कर लेता हूँ कि वाई एक्सिस को सबसे पहले ये क्या है वाई एक्सिस को ये पैरेलल लाइन आपको बनानी है। तो वाई एक्सिस को पैरेलल आपको यहां से एक लाइन बनानी है। तो फिर यहां से लेके ऊपर की तरफ ये जो हाइट है ये भी 30 mm है, तो 30 mm हमें यहां पर मार्क करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर हम इसी पॉइंट्स को जो है इस तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। तो फिर आपको कुछ इस तरह से इन सभी पॉइंट्स को यहां पर जो है वो इस तरफ लाना है। इस तरफ लाइंस लाने के बाद आपको यहाँ से जो है इस लाइन को पैरेलल यहाँ से एक लाइन बनानी है, मतलब कि एक्स एक्सिस को जो है वो पैरेलल आपको यहाँ से लाइन बनानी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको इस तरह से एक लाइन बनानी है। अब यह लाइन बन जाने के बाद यह जो पोर्शन है आपको ये आपको दिख रहा होगा, जो कि फ्रंट व्यू में भी दिख रहा है और लेफ्ट हैंड साइड व्यू में भी आपको दिख रहा है। उसके बाद आपको ऊपर की तरफ भी यहाँ से 70 mm जो है उसकी विड्थ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर के पोर्शन की भी जो है यहाँ से जो लाइन जाएगी वो भी 70 mm जो है उसकी विड्थ है। तो फिर इसी तरह जेड एक्सिस को पैरेलल जो है ऊपर की तरफ से एक पैरेलल लाइन इस कॉर्नर से इस तरफ 70 mm और इस कॉर्नर से भी आपको इस तरह से 70 mm की जो है वो एक लाइन बनानी है। अब यहाँ से इस कॉर्नर से 70 mm आपको जो है इस तरह से मार्किंग कर लेना है। तो 70 mm यहाँ पर और एक्स एक्सिस को पैरेलल यह लाइन बनानी, मतलब कि इस लाइन को पैरेलल यहाँ से यहाँ तक। तो फिर यहाँ पर आपको इस तरह से रोलर रखना है और एक लाइन जो है वो इस तरह से बनानी है। तो आपका टॉप व्यू जो है वो हमने इस पोर्शन का जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो इसे भी हम डार्क बना लेते हैं, कुछ इस तरह से आपको इसे डार्क बनाना है। अब इसे भी हम जो है वो डार्क बना लेते हैं। तो
इस पोर्शन को भी कुछ इस तरह से आपको डार्क बनाना है, जो कि आपको लेफ्ट हैंड साइड व्यू से दिखेगा। तो फिर इस पोर्शन को भी इस तरह से डार्क बना लेते हैं। अब आपको जो है इस कॉर्नर से जेड एक्सिस को पैरेलल एक लाइन बनानी है और ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ एक लाइन बनानी है। तो फिर सबसे पहले हम क्या करते हैं, जेड एक्सिस को पैरेलल इस कॉर्नर से इस तरफ एक लाइन बना लेंगे। तो इस तरह से आपको जेड एक्सिस को पैरेलल इस कॉर्नर से इस तरफ एक लाइन बनानी है और इस कॉर्नर से वाई एक्सिस को पैरेलल नीचे की तरफ। तो वाई एक्सिस को इस तरह से आपको पैरेलल जो है आपका रोलर लगाना है और इस कॉर्नर से नीचे की तरफ जो है वो यहाँ तक ही आपको जो है वो लाइन बनानी है। तो हमारा जो ये वाला फेस था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर जहाँ पर ये लाइन और ये लाइन मीट होती है वहाँ से इस तरफ एक लाइन जो है एक्स एक्सिस को पैरेलल आपको बनानी है। तो इस कॉर्नर से इस तरफ एक लाइन जो है आपको इस तरह से बनानी है। तो फिर यह लाइंस बन जाने के बाद अब मैं इस पोर्शन को भी जो है वो डार्क बना लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये हिडन लाइंस जो है आपको लेफ्ट हैंड साइड से दिख रहे हैं, मतलब कि यहाँ से जब ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो ये जो आपको डार्क लाइन दिख रही है ये वाला पोर्शन है। और ये जो हिडन लाइंस है, सबसे पहले ऊपर वाली जो हिडन लाइन है वो ये हिडन लाइन है और नीचे वाली जो है ये कॉर्नर से जो लाइन जा रही है वो आपको हिडन दिखेगी, क्योंकि जब ऑब्जर्वर इस तरफ से देखेगा तो उसे ये लाइन, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर उसे नहीं दिखेगा। तो हमने क्या किया है, सॉरी, ये जो यहाँ से कॉर्नर इस तरफ जा रहा है वो ये ऊपर वाली लाइन है और ये जो कॉर्नर यहाँ से नीचे की तरफ से जा रहा है, मतलब कि ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, उसे हमने हिडन दिखाया है। अब हमें जो है ये होल जो है यहाँ पर जो बना है फ्रंट व्यू, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड व्यू में, मतलब कि यहाँ से जब ऑब्जर्वर से देखेगा तो उसे ये यहाँ पर होल दिखेगा और फ्रंट व्यू से जब उसे देखेगा, मतलब कि यहाँ से ऑब्जर्वर उसे देखेगा तो उसे वो होल जो बना है वो हिडन दिखेगा। तो होल जो बना है वो यहाँ से ऊपर की तरफ नीचे 30 mm पे जो है उसकी लाइन है और यहाँ से जो है वो सेंटर में बना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का जो है वो सेंटर निकालेंगे। तो सेंटर यहाँ से ये 70 mm है तो हम यहाँ पर 35 mm पे जो है यहाँ पर एक मार्क लगा लेंगे। 35 mm पे मार्क लगाने के बाद आपको वाई एक्सिस को पैरेलल यहाँ से एक लाइन बनानी है। वाई एक्सिस को पैरेलल इस तरह से आपको एक लाइन बनानी है। अब ये जो दूसरी लाइन बनी है ये वाली लाइन, ये 30 mm नीचे की तरफ है ऊपर से, तो 30 mm नीचे की तरफ हम क्या करेंगे, यहाँ से 30 mm जो है इस तरह से मार्क लगा लेंगे। तो 30 mm के दूरी पर जो है एक मार्क लगा लेंगे और जेड एक्सिस को पैरेलल जो है वो एक लाइन बना लेंगे। तो जेड एक्सिस को पैरेलल इस तरह से आपको एक लाइन बनानी है। अब यह लाइन बन जाने के बाद इस होल का जो डायमीटर है वो 45 mm डायमीटर है, मतलब कि हमें यहाँ पर इसकी रेडियस जो है वो 22.5 है। तो फिर हम यहाँ से इस, हमें यहाँ पर जो मिड पॉइंट मिला है यहाँ से 22.5 इस लाइन के ऊपर और यहाँ से 22.5 इस तरफ, यहाँ से 22.5 इस तरफ और 22.5 इस तरफ जो है आपको मार्क लगाना है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से 22.5 और 22.5 मार्किंग बना लेंगे। अब ऊपर की तरफ 22.5 और नीचे की तरफ 22.5 मार्किंग लगाने के बाद इस तरफ भी आपको उसी तरह मार्किंग लगानी है। अब आपको यह सभी पॉइंट जो है ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन कैसे करना है, तो आपको यहां पर एक रोम्बस जो है वो बनाना है। तो रोम्बस बनाने के लिए सबसे पहले आपको नीचे की तरफ जो पॉइंट लिया था उसे जेड एक्सिस को पैरेलल एक लाइन इस तरह से आपको बनानी है और ऊपर की तरफ जो एक पॉइंट हमने लिया था उसे भी जेड एक्सिस से पैरेलल एक इस तरह से लाइन जो है वो बनानी है। उस एक मिनट मैं आपको डार्क बना के दिखाता हूँ। अब यह लाइन बन जाने के बाद आपको वाई एक्सिस को पैरेलल इस पॉइंट से दोनों तरफ एक लाइन बनानी है। तो फिर इस पॉइंट से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ एक इस तरह से लाइन बनानी है जो कि वाई एक्सिस को पैरेलल है और यहाँ पर जो 22.5 लिया था
वहां से एक लाइन जो है इस तरह से आपको बनानी है। अब यह लाइन बन जाने के बाद आपको इसका लॉन्गेस्ट डायगोनल जो है वो ज्वाइन करना है। तो इसका लॉन्गेस्ट डायगोनल यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा, तो उससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। अब ज्वाइन करने के बाद आपको इस कॉर्नर से इसके अपोजिट साइड की मिड पॉइंट को जो है वो ज्वाइन करना है। तो फिर इस कॉर्नर का अपोजिट साइड जो है वो ये साइड है, तो इस साइड के जो है मिड पॉइंट को ज्वाइन करना, मतलब कि इस साइड का मिड पॉइंट हमें पहले से मिल गया है सेंटर लाइन बनाने की वजह से। तो हम इस कॉर्नर से जो है इस तरफ एक इस तरह से लाइन बनाएंगे। उसके बाद उसके अगले वाले साइड को, मतलब और एक साइड जो उसके अपोजिट है, मतलब कि ये साइड उसके अपोजिट साइड है, तो वहां से आपको क्या करना है कि इस कॉर्नर से इसे भी इस तरह से ज्वाइन करना है। तो इस कॉर्नर से इस साइड के अपोजिट मिड पॉइंट को इस तरह से आपको जो है वो ज्वाइन करना है। इसे ज्वाइन करने के बाद आपको इस कॉर्नर से इसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को, मतलब कि इस कॉर्नर का जो अपोजिट साइड है वो ये वाला साइड है, तो इस कॉर्नर से इस साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है। तो ये कॉर्नर से आपको इस तरह से इस साइड को जो है इस तरह से ज्वाइन करना है। अब यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद इस कॉर्नर से फिर से अगले वाले अपोजिट साइड को, मतलब कि इस कॉर्नर की अपोजिट साइड यह है, तो यहाँ पर इसका मिड पॉइंट यहाँ पर आपको मिला, तो इस कॉर्नर से आपको यहाँ पर मिड पॉइंट को इस तरह से आपको ज्वाइन करना है। तो फिर अब ज्वाइन करने के बाद आपको कंपास लेना है। तो फिर अब यहाँ पर इलिप्स बनाने के लिए इस कॉर्नर पर रखना है आपको कंपास, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपको डिस्टेंस लेना है। तो फिर इस कॉर्नर पर रखकर यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस लेना है, और यहाँ से यहाँ तक जो है आपको आर्क बनाने, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक। तो फिर सबसे पहले हम कंपास को जो है इस कॉर्नर पे इस तरह से रखेंगे और यहाँ तक डिस्टेंस लेंगे। और एक आर्क जो है यहाँ से यहाँ तक जो है आपको इस तरह से बनाना है। अब आपको उसी तरह आपका यहाँ पर रखना है कंपास, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपको डिस्टेंस लेना है। यहाँ से यहाँ तक भी ले सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक भी ले सकते हैं। और यहाँ पर कंपास रखने के बाद आपको यहाँ से यहाँ तक ही आर्क बनाना है। तो आपको कंपास को जो है कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर रखना है। और ये आर्क बना लेनी है। अब आपको कंपास में जो है इस मिड पॉइंट से जो है यहाँ से यहाँ तक, या फिर यहाँ से यहाँ तक जो है आप डिस्टेंस ले सकते हैं, और एक आर्क जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आपको बनानी है। तो कंपास में जो है यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस लेनी है। तो यहाँ पर इस मिड पॉइंट पर आपको रखना है आपका कंपास, और एक आर्क जो है इस तरह से बनानी है। और एक आर्क जो है इस तरह से आपको बनानी है। अब आपको आपके कंपास को यहाँ पर रखना है और वही डिस्टेंस लेना है, मतलब कि यहाँ से लेके इस मिड पॉइंट से यहाँ तक, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कंपास को इस मिड पॉइंट पर रखना है, और इतना रेडियस लेना है यहाँ से यहाँ तक, और एक आर्क जो है यहाँ से यहाँ तक आपको बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस मिड पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाना है। उसके बाद अब आपको इस सर्कल की जो है वो डेप्थ दिखानी है। तो डेप्थ दिखाने के लिए ये सर्कल जो है यहाँ से इस तरफ, ये होल जो बना है वो यहाँ से पीछे की तरफ जो है इसके जाता है, तो पीछे की तरफ ये जाता है। तो फिर हमें इस कॉर्नर से जो है इस तरफ ही लाइन बनानी है, मतलब कि इस लाइन्स को, मतलब कि एक्सिस को जो है पैरेलल यहाँ से यहाँ तक आपको लाइन बनानी है। तो फिर इस तरह से आपको यहाँ पर इस तरह से एक लाइन जो है आपको बनानी है इस कॉर्नर से, क्योंकि ये जो सर्कल है ये यहाँ पर इस तरह से बनेगा, क्योंकि यहाँ का जो पोर्शन है उसे ऑब्जर्वर को दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरफ एक लाइन बना लेंगे। अब लाइन बनाने के बाद आपकी जो डेप्थ है वो इस लाइन के लेंथ इतनी होगी। तो फिर ये जो लेंथ है इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक वो आपको 30 mm दी हुई है। तो 30 mm जो ये डेप्थ है, तो फिर यहाँ से आपको 30 mm इस तरफ मार्किंग करना है। तो फिर इस कॉर्नर पर आपको इस तरह से आपका रोलर रखना है, और 30 mm यहाँ पर इस तरह से जो है वो एक मार्क लगाना है। अब 30 mm मार्क लगाने के बाद आपको आपके कंपास को जो है इस कॉर्नर पर रखना है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस हमने लिया था, यहाँ से लेके यहाँ तक वो डिस्टेंस आपको यहाँ पर लेना है। और वह डिस्टेंस लेकर आपको आपके कंपास को जो 30 mm पे हमने मार्क लगाया था वहाँ पर इस तरह से रखना है, और एक आर्क जो है वो यहाँ पर इस तरह से बनाना है। अब यह आर्क बन जाने के बाद आपको इस सर्कल की जो डेप्थ है वो दिखेगी। तो फिर आपको मैं फिर से यह ड्राइंग जो है वो समझाता हूँ। अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने, तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके वह वीडियोस आप देख सकते हैं।
तो फिर अब हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। तो फिर हमें फ्रंट व्यू दिया था, तो फ्रंट व्यू हमें ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो है वो ये फ्रंट व्यू दिया था। तो हमने फ्रंट व्यू सबसे पहले उसका जो है वो बना लिया। उसके बाद हमें लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिया था, मतलब कि हमें लेफ्ट हैंड यहाँ से जब ऑब्जर्वर उसे देखेगा उसके लेफ्ट हैंड साइड व्यू से, तो उसे ये पोर्शन जो है ये 30x70 का एक रेक्टेंगल जो है यहाँ पर उसे देखेगा। तो हमने सबसे पहले ये बना लिया। उसके बाद हमें ये पोर्शन दिया था जो कि यहाँ पर हमने बना लिया। उसके बाद ये होल आपको लेफ्ट हैंड साइड व्यू से दिखता था पर आपको फ्रंट व्यू से नहीं दिखता था, तो फ्रंट व्यू से आपको ये हिडन दिखता था, इसलिए हमने इसे हिडन लाइन से दिखाया। यहाँ पर जब ऑब्जर्वर इस तरफ से उसे देखेगा तो उसे ये होल जो है वो हिडन दिखेगा, और ऑब्जर्वर जब इस तरफ से दिखेगा तो उसे होल क्लियरली उसे दिखेगा। उसके बाद हमें ये हिडन लाइन्स दिखाए थे, हिडन लाइन्स किसके थे, तो यहाँ से जो ये कॉर्नर इस तरफ जाता है तो जब ऑब्जर्वर इस तरफ से उसे देखेगा तो इसकी वजह से उसे ये कॉर्नर नहीं दिखेगा, तो फिर इसलिए हमने यहाँ पर जो है इसे हिडन दिखाया था। उसके बाद ये हिडन पोर्शन हो गया। उसके बाद ये कॉर्नर जो है मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो जाता है वो भी यहाँ पर हिडन दिखाया था, तो उसे भी हमने यहाँ पर विजिबल बना दिया है। तो इस तरह से हमने आइसोमेट्रिक व्यू का जो प्रॉब्लम है वो अब कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने